आज ही इसलिए ज़्यादा बोल रहे हैं क्योंकि इसका कल बर्थडे है और हम जा रहे हैं घूमने, तो इसको गिफ्ट वगैरह जो कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, मेरा बर्थडे मुझे इम्पोर्टेंस मिले, ऐश होनी चाहिए और टेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं टेंशन को साथ लेकर जाती हूँ। तो ऐसा ही है कि देखो शादी होने के बाद आप टेंशन ही हो जाते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सो इस टेंशन को भगाने के लिए हम जा रहे हैं जोधपुर जा रहे हैं, पहले से याद भी नहीं हुआ, बस इतना पता है कि हम जा रहे हैं। तो हम जोधपुर जा रहे हैं और मेरा बर्थडे का केक भी हम वहीं काटने वाले हैं, उसके बाद आगे हम जाएंगे जैसलमेर। और पहली बार हम बिना भालू के कोई ट्रिप जा रहे हैं। क्यों? भालू का है, माँ के साथ गए थे आगरा। हाँ, मतलब किसी थर्ड पर्सन के अलावा हम आज पहली बार जा रहे हैं, हमें नहीं पता हमारी कितनी लड़ाई होने वाली है, कितना हम लोग एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। हमेशा थर्ड पर्सन होता था तो हम सोचते थे छोड़ यार अवॉइड कर लड़ाई, अब हमें नहीं पता क्या होने वाला है। बाकी मिलते हैं, देखते हैं क्या हो। एक्चुअली हमेशा थर्ड पर्सन होता था तो मैं बच जाता था, इस बार का ट्रिप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बिकॉज देखो इस वाले ट्रिप में मैं अकेला जा रहा हूँ प्रिया के साथ, सो इट विल वेरी हार्ड फॉर मी। सो गाइज प्लीज़ 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 प्रे फॉर मी एंड विश आर वेरी वेरी हैप्पी, जो भी बोलते हैं बट्टे बूटे कर देना इसे विश, बालक है, बालक को खुश करते रहना चाहिए। रेलवे स्टेशन की तरफ पूछ करते हुए, मास्क ऊपर करते हुए, एक्चुअली यहाँ पे दिल्ली में ट्रैवल करना है ना तो टैक्सी से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू कम एनी टाइम फ्रॉम दिल्ली, आई गेस मेट्रो प्रेफर करो, मेट्रो सबसे कन्वीनियंट है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन आने का, प्लस इन बजट। तो हम आधे घंटे में पहुँच गए हैं, तो अभी सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक में नहीं फंसते हैं। हाँ, ट्रैफिक का बहुत डाउट रहता है। सो हम पहुंच गए हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, यहां से हमारी ट्रेन है। तो आप जोधपुर जाने के लिए बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट या फिर बाय बस कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं। वाओ फाइनली वी गाइस आर ऑन टाइम एंड खाना हम लोग ऑलरेडी पैक करके आए हैं और पानी प्रिया ने भरवा लिया है। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हैविंग अ गुड वाइफ, खाना और पानी की कोई दिक्कत नहीं रहती रास्ते में। और सबसे अच्छी बात है कि हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से जोधपुर, दिल्ली जोधपुर स्पेशल में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, विच इज़ द गुड ट्रेन एक्चुअली इफ़ यू गाइज आर ट्रैवलिंग टू जोधपुर। एंड आई विल से कि अगर कोरोना टाइम में आप लोग कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं सो यू गाइज शुड टेक केयर, बिकॉज ब्लैंकेट ट्रेन में आजकल प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ कीप ऑन चेकिंग योर मैसेजेस और कीप चेकिंग आर वीडियोस, बिकॉज कितने दिन का ट्रिप है, प्लान कब बनाना चाहिए, जोधपुर कब आना चाहिए, जोधपुर में कहाँ क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, खाना पीना और पर हेड चार्जेस कितने लगेंगे। वी गाइज आर कमिंग अप विद आर न्यू वीडियोज एंड एवरी टाइम यू गाइज विल बी अमेज्ड। Happy birthday to you, happy birthday to you। मोमबत्ती सिगरेट नहीं पीते हम इसलिए। हेलो। और ये देखो बर्थडे गर्ल हवाबाजी करते हुए ट्रेन में घड़ी के साथ पहन के पास। अरे केक काटने दो भाई, केक काटने दो छोरी को। सो प्रिया कैसा लग रहा है, तुम्हारा पहला बर्थडे है कि इस ट्रेन में होगा? जिंदगी में पहला बर्थडे है ना जो ट्रेन में मना रही हो? और केक हम पूरा नहीं लाए क्योंकि हम दो ही लोग थे, हम सिर्फ दो पेस्ट्री लाए, उसकी मोमबत्ती भी नहीं जलाई क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता। सिगरेट वाला जरूरी थोड़ी मोमबत्ती भी जलाएगा। अरे मेरे को लगा फायर एक्सटिंग्विशर लगे होंगे, पानी पूनी। हेलो फ्रेंड्स, केक खा लो। ले जलाऊंगे। क्या कह रही? वैसे तो आपको दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी दिन में, बट हमने प्रेफर किया था कि हम रात की ट्रेन लें ताकि हम रात को सो जाए और देखो मॉर्निंग में फ्रेश उठे बिल्कुल, क्योंकि अभी हमें पूरा दिन घूमना है, जोधपुर आने वाला है। तो मिलते हैं स्टेशन पे बस कुछ ही पल। 11 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग काफी फ्रेश फील कर रहे हैं और हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं अपनी रेल से, क्योंकि रेल पहुंच चुकी है जोधपुर रेलवे स्टेशन एंड रेल अपने समय से पहुंची है। अब हमें ऑटो लेनी है या स्कूटी लेनी है या फिर हमें पब्लिक कुछ ट्रांसपोर्टेशन लेना है, वो हम लोग बाहर जाकर डिसाइड करेंगे।
सो गाइज हम पहुंच चुके हैं जोधपुर में रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन का सफर काफी अच्छा था और ठंड भी बहुत लगी, बर्थडे केक भी कट गया ट्रेन में। अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट होटल, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम अपना ट्रिप स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टेशन के बाहर आपको बहुत सारे टूर एंड ट्रेवल्स वाले मिलेंगे, आप वहाँ से टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर ले सकते हैं। प्रिया हमारी टू व्हीलर ले रही है, बिकॉज टू व्हीलर क्या है कि जोधपुर में घूमने के लिए बहुत सही पड़ता है, बिकॉज सड़कें बहुत भीड़ी है और वहाँ पे आप बहुत सारे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। बहुत स्ट्रगल के बाद फाइनली हम हमारे होटल पहुँच गए हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि जो स्कूटी हमने रेंट पर ली थी रास्ते में ही वो खराब हो गई, पता नहीं उसका चौक नहीं चला, देन वी हैड कुछ थोड़ी सी फाइट छोटी मोटी, देन हमने स्कूटी वापस की, दूसरी नई स्कूटी उठाई और अब हम हमारे होटल पहुंच गए हैं। क्या नज़ारा है भाई साहब, पता नहीं होटल तो दिख नहीं रहा है बट रास्ता बहुत लंबा है। एंड सेकेंड थिंग कि आप होटल जो है सिटी के अंदर भी करा सकते हैं, ये थोड़ा सा बाहर पड़ता है आउटस्कर्ट्स में, बट इट्स ओके, व्हाट अ व्यू, अमेजिंग। स्टार्ट करते हैं, मेरा बर्थडे मनाते हैं और मिलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट पे।